चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो कल हम आपको यही पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही, प्रिडिक्टिंग वेदर ए मेटल कैन इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड और नॉट। हमको ये पढ़ना है कि कौन कौन से मेटल्स हैं जो आपका जो होता है हाइड्रोजन गैस को एसिड से इवॉल्व कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। कौन कौन से मेटल ऐसे हैं और कौन कौन से मेटल ऐसे हैं जो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर, ये हमें चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा आपका जो है इसमें हमें ये पढ़ना है, तो आपको हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो ट्रिक हमने बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो हमें आपको बेटा ट्रिक बताया था, उसमें हमने लिथियम टू फ्लोरीन बताया था और आपके एनसीईआरटी में फ्लोरीन टू लिथियम दिया है। तो हमने जो ट्रिक बताया उसी के अकॉर्डिंग आप लर्न कीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे भी, उसी के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, वही पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर दोनों पढ़ने की कोशिश करेंगे आप तो आपको डिक्रीज और इंक्रीज में प्रॉब्लम होगा, आपको इस बात को ध्यान में रखिए। तो जो हमने पढ़ाया है तो उसी अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ जो हमने ट्रिक बताया है आपको, ठीक है ना। लेके वे ना श्रीमान कल नहाए मगर आले में, जिन्होंने कड़ी फेंकी चढ़ाई कोई नहीं सना, पंजाब हमारा क्यों होगा आज ऑस्ट्रेलिया पिटी ऑस्ट्रेलिया फिर। ये हमने आपको ट्रिक्स बताया था, तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत काम देगा आपका, नीट में भी काम देगा, आईआईटी में भी काम देगा। और एक क्वेश्चन आपका आप इससे 100% आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और एक क्वेश्चन आपका नर्स इक्वेशन से न्यूमेरिकल आता है, अभी आगे हम पढ़ाएंगे। इस सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन कंसंट्रेशन, ये अभी नर्स इक्वेशन आगे पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक जो है ऑफ दिस चैप्टर इज नर्स इक्वेशन, 100% न्यूमेरिकल इस सारा आएगा, जो है पेपर से पहले हमने आउट कर दिया, आना ही आना है नर्स इक्वेशन का। और क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एक न्यूमेरिकल आएगा। चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है, चारों याद कर लीजिए, चारों के फार्मूले याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए प्रिडिक्टिंग वेदर ए मेटल, तो ठीक है ना, इसमें देखेंगे बेटा, ठीक है ना। तो प्रिडिक्टिंग वेदर ए मेटल इवॉल्व, तो हम यही लिखेंगे कि आपका दी मेटल, ठीक है ना, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस दोज प्लेस या ठीक है ना विच प्लेस अबव द हाइड्रोजन, जो हमने लिखाया है इसी इसमें, जो ऐसे मेटल आपके जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से क्या अबव है, वो क्या करेंगे एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जो आपके मेटल आपके हाइड्रोजन से नीचे हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन से हैं बेटा आपका, कौन कौन से हैं आपका, जैसे आपका हो गया हाइड्रोजन से नीचे आपका जो होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन से नीचे आपका कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड, ये सभी मेटल हैं आपके। तो ये एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, और जब भी कोई मेटल एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो आपके मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से अबव है, जैसे आपका हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, बेरिलियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, ठीक है ना, ये आपके क्या करेंगे हाइड्रोजन एसिड से हाइड्रोजन को क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना, एसिड से हाइड्रोजन को क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना, लिखेंगे, ठीक है ना, द एलिमेंट्स, ठीक है ना, या द मैटर, ठीक है ना, द मेटल, ठीक है ना, द मेटल इसमें क्या होगा, द मेटल जो होता है आपका विच इवॉल्व, ऐसा कर दीजिए आप, ऐसे एलिमेंट, ठीक है ना, जो क्या करेंगे एसिड से रिएक्ट, एसिड से मतलब ईसीएस सीरीज में अबव है, तो लिखेंगे द मेटल प्लेस, ठीक है ना, अबव हाइड्रोजन इन, लिखेंगे द मेटल प्लेस अबव
above hydrogen in the electrochemical series. ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? The metal plays above hydrogen in the electrochemical series. ठीक है ना, that metal evolved hydrogen gas with acid and the metal placed below the hydrogen and the metal placed below the hydrogen and the metal placed below the hydrogen in the ECS series in the electrochemical series in the electrochemical series in the electrochemical series ठीक है ना, in the electrochemical series list do not evolve hydrogen gas with acid. So the metal placed above hydrogen in the electrochemical series, that metals evolved hydrogen gas with acid. And the metal hydrogen gas in the electrochemical series, that metal do not evolve hydrogen gas with acid. ठीक है ना, जो एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा. ठीक है ना, तो अब कौन कौन से एलिमेंट आपके अबव है वो एग्जांपल लिख देते हैं. ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए तो बताएं बेटा, नोट कीजिए बेटा यहाँ फालतू बात डिस्कस नहीं. ठीक है, हो गया बेटा, नोट हो गया तो बताइए आगे बढ़ें. और YouTube चैनल पे हमारा देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड कर देंगे बेटा, और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए चैनल. आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं YouTube चैनल, हो गया बेटा. चलिए ओके, अब एग्जांपल लिखते हैं कौन कौन से हैं, वो एग्जांपल देख लीजिए आप. कुछ एलिमेंट के सबका नहीं लिखेंगे, कुछ एलिमेंट एग्जाम्पल है आपका. ठीक है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स दैट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस with acid. ठीक है ना, तो एग्जांपल आप लिख लीजिए कौन कौन से हैं. सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ETC. ये सब आपके जो होता है एक्टिव मेटल, इन्हें क्या कहते हैं, एक्टिव मेटल.
मतलब एक्टिव मेटल कहते हैं क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी वो हाई होती है, एक्टिव मेटल, ठीक है ना। और आपका जैसे फिर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स दैट डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विथ एसिड। एग्जाम्पल लिख लेंगे आपके, ठीक है ना, कॉपर, मरकरी, ठीक है ना, सिल्वर, ETC। और ये जो मेटल होते हैं ये आपके क्या होते हैं, इनएक्टिव मेटल कहते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। वॉइस और वीडियो बेटा क्लियर है ऑल स्टूडेंट? वॉइस और वीडियो क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? सब्सक्राइब कर दिए बेटा, सबको हम कह रहे हैं, तो हमें कहा था तुम की हो, सभी लोग नहीं करते हैं, कर दिया कीजिए बेटा, क्या जाता है आपका उसमें। इनएक्टिव मेटल, ठीक है, हो गया बेटा। अब बेटा हम आगे देखते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ EMF ऑफसेट, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मालूम है तो हम किसी भी सेल का जो होता है सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हमें केवल ये पता हो कि उस सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड है। अगर दो इलेक्ट्रोड हैं तो एक जिंक है और एक कॉपर है, एक दो इलेक्ट्रोड है, एक सिल्वर है और एक जो होता है आपका जो है मरकरी है आपका, एक आपका जो है सोडियम है और एक आपका एल्युमिनियम है। हमें दो इलेक्ट्रोड पता हो, हमें अगर किसी भी सेल का हमें ई सेल निकालना है, हमें कोई सेल हमारे पास है उसका ई सेल EMF हमें नहीं मालूम है, किसी सेल का EMF निकालना हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें इतना पता है कि उस सेल में जो इलेक्ट्रोड है वो एल्युमिनियम और जिंक है। मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है, कौन सा जो है इलेक्ट्रोड एनोड है, ये हमें पता है आपको। तो हम उस सेल का जो EMF निकाल लेंगे, जो फार्मूला मैंने बताया था, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, वहाँ से हम पर निकाल लेंगे। तो वही पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक बेटा। नोट हो गया बेटा, चलिए आगे देखते हैं। डिटरमाइनिंग, ठीक है ना, ई एम एफ ऑफ ए सेल, ठीक है ना। तो मतलब किसी भी सेल के जो है EMF को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। EMF का मतलब वही ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या आपका ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है ना। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे आपका, ठीक है ना। तो लिखेंगे इट इज द डिफरेंस। भाई जो सेल होता है EMF, किसी भी सेल का जो EMF होता है, ठीक है ना, डिटरमाइनिंग EMF ऑफिसर, जो किसी भी सेल का जो EMF होता है वो डिफरेंस होता है कैथोड और एनोड का, क्या होता है डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड, जो कैथोड और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो EMF होता है। तभी तो लिखते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू जो है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है ना। तो इट इज द डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड
ऑफ द इलेक्ट्रोड, ऑफ द इलेक्ट्रोड एक्टिंग एज, एक्टिंग एज कैथोड एनोड, कैथोड एंड एनोड इन दिस सेल, ठीक है ना, एक्टिंग एज कैथोड एंड एनोड इन दिस सेल, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेटा, स्टैंडर्ड, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस फिर ब्रैकेट लगा दीजिए आप, ठीक है ना, स्टैंडर्ड, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम स्टैंडर्ड यहाँ से क्या ले सकते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फार्मूला आपको हम पढ़ा चुके हैं, ये फार्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए बेटा, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, ठीक है, नोटेड बेटा, चलिए नोट हो गया तो धन्यवाद बेटा। अब बेटा इस पे हम जो है आपको न्यूमेरिकल लगवाएंगे, क्या लिखवाएंगे, न्यूमेरिकल, ठीक है ना, ठीक है हो गया बेटा, अब इस पे हम आपको न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं बेटा, ठीक है, न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं, दो तीन न्यूमेरिकल देख लीजिए, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके आते भी हैं बेटा, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल आपके आते हैं, ठीक है, हो गया बेटा, चलिए आगे देखते हैं, अब न्यूमेरिकल देखिए बेटा, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, कल एनसीईआरटी के लगवाएंगे क्वेश्चन बेटा, कल एनसीईआरटी के लगवाएंगे, ठीक है ना, आज देख लीजिए कल एनसीईआरटी के लगवा, आज भी एक दो क्वेश्चन ऐसे लगवा देते हैं, देखिए, ठीक है ना, आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, कैलकुलेट दी A cell is set up between a cell is set up between copper and silver electrode as follows, ठीक है ना, ये दिया आपका सेल रिएक्शन, Cu2+ aqueous, ठीक है, इसके बाद साल्ट ब्रिज, सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, Ag+ aqueous और जो है ऑब्लिक Ag solid, ठीक है। अब इसमें देखिए कापर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि इसी सीरीज में कापर आपका ऊपर, उसके बाद सिल्वर है आपका, ठीक है ना, आपने पढ़ा था पंजाब हमारा क्यों होगा,
ऑस्ट्रेलिया फिर, ठीक है ना। पंजाब हमारा क्यों होगा, पंजाब हमारा, पंजाब से आपका पी भी, हमारा से हाइड्रोजन, क्यों से कापर सी यू, हमारा पंजाब हमारा क्यों होगा, होगा से मरकरी, ठीक है। आज, आज से सिल्वर, आज पीटी ऑस्ट्रेलिया फिर, तो आज से सिल्वर, यानी कि सिल्वर नीचे है और कापर आपका ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कापर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिल्वर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है और रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब कापर का ज़्यादा होगा तो कापर ऑक्सीडाइज करेगा, यानी किसका काम करेगा, ये एनोड का, और किसका काम करेगा, कैथोड का। और वैसे क्वेश्चन में दे भी दिया है, क्योंकि देखिए दिखा भी दिया है, ठीक है ना। और क्या दिया है, इफ इफ द टू सेल, दो क्वेश्चन कराएंगे बस, इफ द टू सेल, इफ द टू हाफ सेल, इफ द टू हाफ सेल सेल वर्क अंडर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन कंडीशन कामा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल गिवन ई नॉट सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू, जो कापर का रिडक्शन पोटेंशियल क्वेश्चन में दिया है वो दिया प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है ना। और क्या दिया है, सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एजी प्लस ऑब्लिक एजी, ये जो दिया है आपका, ठीक है ना, वो दिया आपका प्लस 0.80 वोल्ट, ये क्वेश्चन में इतना दिया है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया बेटा, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। सर वॉइस इज नॉट क्लियर सर, अच्छा बेटा किसी का, किसी सबके पास क्लियर नहीं आ रहा वॉइस, बोलो बेटा कब से नहीं क्लियर आ रहा वॉइस, हेलो सौम्या खातून वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, हेलो बेटा अलका सभी लोग कमेंट करके बताइए वॉइस क्लियर है कि नहीं, हेलो वॉइस क्लियर है कि नहीं बेटा, बोलिए समझ का क्वेश्चन हो गए बेटा, जल्दी कमेंट कीजिए बेटा, टाइम पास कर रहे हैं आप लोग, क्लियर है सर, चलिए नहीं तो बेटा यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ना तो वहाँ भी क्लियर नहीं होगा, तो इसीलिए कह रहे थे क्लियर है, स्टार्टिंग से क्लियर है कि कहीं बीच में था आपका मिस्टेक, क्लियर हो गया सर। दिशा बेटा स्टार्टिंग से क्लियर नहीं था क्या, हेलो अलका, अलका हम पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं बेटा स्टार्टिंग से क्लियर नहीं था क्या, हेलो नोटेड बेटा, दिशा हम कुछ पूछ रहे हैं, बीच में डिस्टरबेंस था क्या वॉइस के लिए, चलिए बेटा क्वेश्चन हो गया आपका, अब जो है न्यूमेर इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन इसका देखते हैं, ठीक है ना, इसका जो है सोल्यूशन देखते हैं, क्लियर था सर, चलिए ठीक है बेटा, बेटा आप में नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ना तो वहां से क्लियर नहीं होगा, आप में भी नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन तो आपका जो है ई सेल निकालना है तो सीधे फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या होता है आपका ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही तो बेटा होगा, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ई नॉट सेल, ठीक
ठीक है ना, यही क्या होता है आपका ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल यही होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा एक कैथोड, किस कौन काम कर रहा था, सिल्वर, तो ई नॉट ए जी प्लस ऑब्लिक ए जी, ठीक है, और माइनस ई नॉट आपका कापर था ना, कापर ही था, कापर था, सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू, ठीक है ना, ये था आपका। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, कैथोड की जगह सिल्वर रखेंगे, एनोड की जगह कापर रखेंगे, क्योंकि कापर का ऑक्सीडाइज होगा आपका, ठीक है। तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिल्वर का कितना दिया था आपका 0.80 वोल्ट, माइनस कापर का कितना दिया था आपका 0.4034, सॉरी कितना आ जाएगा ये ई नॉट सेल बेटा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका प्लस 0.46 वोल्ट, ये इतना आ गया, ठीक, नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन का सलूशन हो गया आपका। बेटा इस तरीके क्वेश्चन आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखें, नोट हो गया बेटा, नोट हो गया तो बताइए बेटा आगे बढ़े। नोट हो गया तो बेटा बताइए आगे बढ़े। बोलो बेटा, नोटेड। चलिए बेटा आगे देखते हैं, एक न्यूमेरिकल और लगा देते हैं, बस एक और लगा देते हैं, वो उसका यूज आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर पोटेंशियल ऑफ, ठीक है ना, कैलकुलेट स्टैंडर्ड, ठीक है ना, कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ ऑफ सी डी टू प्लस ऑब्लिक सी डी, मतलब कैडमियम इलेक्ट्रोड, 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 इलेक्ट्रोड फॉर द सेल, इलेक्ट्रोड फॉर द सेल, इलेक्ट्रोड फॉर द सेल, ठीक है ना, कैलकुलेट जो है आपका, ठीक है ना, स्टैंडर्ड से पोटेंशियल, ठीक है ना, ऑफ द सेल। तो आपका दिया है क्या क्वेश्चन में, जड़ एन सॉलिड ऑब्लिक, ठीक है ना, जड़ एन टू प्लस कंसंट्रेशन वन मोलर, ठीक है, तो स्टैंडर्ड है आपका साल्ट ब्रिज और कैडमियम सी डी टू प्लस, ठीक है ना, सी डी टू प्लस और वन मोलर फिर ऑब्लिक सी डी, ठीक है ना, सॉरी ये दिया क्वेश्चन में आपका, ठीक है। और गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट ई नॉट सेल, ये सेल का ईएमएफ दिया है, सेल का ईएमएफ दिया, कितना दिया आपको सेल का ईएमएफ 0.36 वोल्ट, 0.36 वोल्ट, 0.36 वोल्ट, 0.36 वोल्ट एंड एंड ई नॉट जेड एन टू प्लस ऑब्लिक जेड एन, ये कितना दिया है माइनस 0.76 वोल्ट, इतना दिया आपका, ठीक। आप क्वेश्चन लगाएं, इसको नोट कीजिए, तो क्वेश्चन लगाएं, नोट कीजिए बेटा, नोट कीजिए तो क्वेश्चन लगाएं। सभी लोग आ जाइए बेटा ऑनलाइन, सभी लोग आइए बेटा, कहाँ चले गए सब लोग, कौन कौन है ऑनलाइन, सुमैया खातून, दिशा और अलका, ये तीन लोग हैं, बाकी और कोई नहीं है। चलिए तीन ही लोगों का अटेंडेंस लगाएंगे आज, अटेंडेंस आप ही तीन ही लोगों को लगेगा। चलिए
हो गया बेटा नोट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। चलिए देखिए देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है आपका E0 आपका जो है E0 सेल कितना दिया आपका E0 सेल कितना दिया आपका 0.36 वोल्ट दिया है और E0 कैडमियम का निकालना है मरकरी जिंक का दिया है जिंक का Zn2+Zn इसका दिया है -0.76 वोल्ट इतना दिया निकालना क्या है E0 Cd आपका 2+Cd कैडमियम ये निकालना है आपको तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए ठीक है ना तो ई सेल इक्वल टू क्या होता है आपका बताइए ठीक है ना E0 कैथोड - E0 एनोड ये होगा आपका ठीक तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ठीक है ना E0 सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे अब कैथोड आपके दो इलेक्ट्रोड है जिंक और कैडमियम है तो इसमें कौन आपका कैथोड का काम करेगा और एनोड का तो इसी श्री से जान जाइए जिन्होंने कढ़ी फेंकी चढ़ाई कोई का मतलब कैडमियम कढ़ी फेंकी चढ़ाई चढ़ाई का मतलब सीडी तो यानी कि जिंक ऊपर है इसी श्री में और कैडमियम नीचे है तो जाहिर सी बात है जिंक का क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैडमियम से ज़्यादा है तो जिंक ऑक्सीडाइज करेगा यानी कि जिंक एनोड की तरह काम करेगा और ये कैथोड की तरह काम करेगा तो ई सेल इक्वल टू E0 कैथोड का काम कैडमियम करेगा Cd2+Cd - E0 आपका हो जाएगा Zn2+Zn ये हो गया आपको ठीक है ना अब यहाँ से क्या करेंगे आप वैल्यू पुट कर दीजिए ई सेल की वैल्यू कितनी थी बोलिए ई सेल 0.36 इक्वल आपको E0 Cd2+Cd और माइनस इसका कितना था आपका -0.76 ठीक है ना तो कितना आ जाएगा बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इसको इसको आप जो है ठीक है ना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस तो यानी कि जो E0 Cd2+Cd है इक्वल कितना हो जाएगा आपका इधर आएगा तो 0.76 माइनस ठीक है सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना -0.76 और प्लस 0.36 कितना आ जाएगा ये E0 Cd2+Cd ठीक है ना तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये माइनस जाएगा -0.40 कितना यही नोट कर लीजिए टू मिरेकल हो गए अब आगे बढ़ते हैं बेटा अब बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ाने जा रहे हैं आपको आज ठीक है ना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं हम नर्स इक्वेशन पढ़ाएंगे लेकिन इसको कल ही हम पढ़ाएंगे कल आप लोग जितना हमने इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है पढ़ के आइएगा तो कल इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में 5 नंबर में क्वेश्चन इससे आना ही आना है मिनिमम जो कल हम आपको पढ़ाएंगे जो है CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम 5 मार्क्स जो है इस जो है फार्मूले से आएंगे नर्स इक्वेशन से जो न्यूमेरिकल आते हैं वो मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम 5 मार्क्स से कभी 1-2 नंबर में न्यूमेरिकल नहीं आता नर्स इक्वेशन का टफ होता बड़ा होता बेटा अभी देखिएगा आगे तो मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम 5 मार्क्स कल का चैप्टर कल का टॉपिक हम पढ़ाएंगे नर्स इक्वेशन
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए बेटा, ठीक है ना। आज इतना ही रहने देते हैं, कल आप लोग थोड़ा पढ़ करके आइएगा अच्छे से, तब हम नेक्स्ट इक्वेशन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट इज़।